क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनिक्स करंट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछले जो भाग में हमने पढ़ा था उष्मा धारा के बारे में और विद्युत धारा के बारे में, आवेश के बारे में, आवेश के मात्र के बारे में और विद्युत धारा के मात्र के बारे में। अब की बार है विद्युत धारा का जो मात्र का 1 एम्पियर की परिभाषा पढ़ेंगे। तो आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जरूर देखें, तभी आगे समझ में। तो 1 एम्पीयर की डेफिनेशन हमें सिद्ध करनी है। ये वैज्ञानिक अपनी मर्जी से लेते हैं। सबसे सिंपल जो डेफिनेशन होती है वो ही हम परिभाषित करते हैं। वो तो मान लीजिए कोई संख्या ए जो धारा का जो मात्रक है वो क्या होता है, आई, जो सूत्र है फॉर्मूला आई अपॉन क्यू अपॉन क्या टी। क्यू क्या है, आवेश, टी समय। क्यू का मात्र कूलम, उसका सेकेंड होता है। अब क्यू टी को क्या करना है, हमें 1 एम्पीयर के बराबर करना है। I का मान क्या है, 1 एम्पीयर है ही, तो हमें क्यू टी का मान ऐसा लेना है कि I का मान 1 एम्पीयर आए। तो अब मान लीजिए कोई दो राशि A और B, दोनों का मान 1 आने के लिए क्या होना चाहिए, A और B भाग में होगा तो A पॉन B, 1 आने के लिए A B का बराबर होना चाहिए। कितने भी मान बराबर हो सकते हैं लेकिन हम सबसे सरल लेते हैं कौन सा मान, t बराबर 1 सेकेंड और q बराबर क्या आएगा, 1 कूलम आ जाएगा। तो i बराबर क्या आएगा, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, तो क्या आ जाएगा, 1 C सेकेंड इनवर्स ये आ जाएगा और इसे लिखते हैं 1 एम्पीयर। मतलब 1 सेकेंड और एक समय हो 1 सेकेंड और आवेश की मात्रा हो वो 1 कूलम। तो जो विद्युत धारा की क्या परिभाषा है, प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या है, धारा कहलाती। अब एक आवेश जो 1 एम्पीयर की परिभाषा क्या होगी, किसी चालक में, किसी चालक तार में, तार में 1 सेकेंड में, सेकेंड में 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश प्रभावित हित हो तो उसे, तो उस चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पीयर होगी। क्या होगी, किसी चालक तार में यदि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रभावित होता है तो उस चालक में बहने वाली जो धारा वो 1 एम्पीयर होगी। ये हमने डेफिनेशन बता दी, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश है तो उस चालक की धारा होगी 1 एम्पीयर। ये सिंपल डेफिनेशन है। तो ये तो हमने देख लिया इसकी मात्रा, लेकिन जो धारा मापन का उपकरण है, धारा मापन के मापन का उपकरण वो है एमीटर। एमीटर क्या, धारा मापन का एमीटर उपकरण है। और धारा मापन के लिए एमीटर को किस क्रम में लगाते हैं, दो क्रम होता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। तो धारा है वो क्या होती है, उसको लगाते हैं एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। जैसे कि ये तार है चालक तार, ऐसे यहाँ धारा प्रवाहित है तो एम्पीयर मीटर एमीटर यहाँ पर लगा देती है। लेकिन विभवांतर जो अगर समांतर क्रम में लगाया जाता है तो यहाँ लगाया जाता ऐसे दो भागों टुकड़ों में, यानी तार अलग अलग तार के क्या होते, दो। लेकिन ये क्या, एक ही तार का दो है। तो ये एमीटर होता है उसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम में इसलिए लगाया जाता है कि परिपथ में बहने वाली पूर्ण धारा एमीटर में से प्रवाहित हो ताकि पूर्ण धारा का आसानी से क्या हो, मापन हो। अब आता है हमारा एक मेरिकल है, इजिली वो पढ़ेंगे। धारा एक फॉर्म नोमेरिकल पढ़ेंगे जो विद्युत धारा ज्ञात कैसे करें। पहला जो फॉर्म नोमेरिकल है, अवधारण है हमारा, वो क्या है, बिल्कुल सिंपल है, 1 कूलम, 1 कूलम आवेश में, 1 कूलम आवेश में
इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, होती है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन है जिसे ई नेगेटिव से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है जिसे कहते हैं चार्ज है वो क्या है, ई है, जिसे मैंने लिखा था ई, यानी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, वो भी क्या ऋणात्मक। अब आवेश नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह दर्शाने की जरूरी नहीं है, हम सिर्फ आवेश का क्या कह रहे हैं, कितनी वैल्यू होती है वो डिफाइन करें, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। तो एक कूलम आवेश, हमने एक इलेक्ट्रॉन का इतना आवेश हुआ, दो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो जाए 2e, तीन का 3e, तीन से गुणा हो जाए 4 का 4e, अन इलेक्ट्रॉन का कितना हो गया अन, हमें क्या ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन की संख्या अन। माना एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या अन है, जिसे हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे जो कुल इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो कितना है, क्यू एक है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का, वन इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये हो गया कुल आवेश, ये हो गया एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या E, जिसका मान है जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है, ये जैसे एक में E दो इलेक्ट्रॉन का मात्रक 2e, तीन का 3, तो उसी प्रकार अन का अन क्या हो जाएगा, आवेश। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, आवेश कितना होगा अन इलेक्ट्रॉन का अन ए, कुल हमें दे रखा है क्यू का मान एक रख दिया, एन का मान हमें ज्ञात करना है, ए का मान 1.6 × 10⁻¹⁹। अब कूलम से ये कूलम कट जाएगा, अब अच्छे से लिखेंगे क्या आगे, एन बराबर 1 कूलम × 1.6 × 10⁻¹⁹, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे मात्र। अब जो आ गया ये, अब देखिए क्या होता है, 1.6, अब 10⁻¹⁹ क्या है, 19 है, ये नीचे नेगेटिव है, ऊपर जाकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, क्या हो 10⁻¹⁹। अब 10⁻¹⁹ को किस प्रकार लिख सकते हैं, 10 × 10⁻¹⁹, 1.6, ये अब 10 में इसका भाग देंगे तो 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन्स, इतने लोग 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमारा न्यूमेरिकल है, क्या है हमारा न्यूमेरिकल। अब एक न्यूमेरिकल और करते हैं, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं आपके इजीली, तो ऐसे न्यूमेरिकल को आपको गलत करना नहीं है। इसी प्रकार आपको दो कूलम आवेश दे सकता है, तो क्यू का मान 2 ले रखा है, एन का मान ज्ञात करना है, ई का मान हमें पता ही है, तो इसका 2 गुना हो जाएगा 13.5 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन, तो ये इसी प्रकार 3, तो इसका 3 गुना हो जाएगा, ये चीज़ तो हमें ज्ञात। अब क्या है, एक मिनट में किसी चालक में 6 कूलम आवेश प्रभाव है का प्रभाव है होता है, तो चालक में बहने वाली धारा ज्ञात करें, हमें दे रखा है 1 सेकेंड, टी बराबर 1 सेकेंड, 1 मिनट, क्यू बराबर आवेश की मात्रा 6 कूलम, कोई बात। अब सूत्र क्या था, I बराबर Q अपॉन T, तो ऐसे ही रख दी वैल्यू 6 कूलम / 1 मिनट, लेकिन हमें ये नहीं लिखना
एक मिनट नहीं लिखना, क्योंकि क्यू का मात्रक गुलाम है, लेकिन समय का मात्रक जो हमने लिया है वो क्या हो गया सेकंड। तो हमें समय को किस में चेंज करना पड़ेगा, पहला सेकंड में। तो एक मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60, तो यहाँ आएगी 60 सेकंड। तो यहाँ क्या रखेंगे, क्यू के स्थान पर 6 गुलाम और सेकंड, समय के स्थान पर 60 सेकंड। अब भाग देंगे तो क्या आएगा, 6 में 60 का भाग देंगे तो 0.1 आ जाएगा, भाग देंगे 6 से 6 कट जाएंगे 1 और 10, 10 का भाग देंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो 0.01 क्या आ जाएगा, कूलम इनवर्स, सेकंड इनवर्स ये भी मात्रक ठीक है इसका, या 0.1 कूलम सेकंड ये भी लिखेंगे तो ये भी सही है, और 0.1 एम्पियर लिखेंगे तो भी ये सही है। ये सभी वैल्यू है, एम्पियर लिख देंगे तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा ये। तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, मिनट को समय में चेंज करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर घंटा हो तो भी इसको सेकंड से चेंज करना पड़ेगा, एक घंटा हो तो 60 मिनट हो गई, मिनट को सेकंड में करें 60 यानी 3600 सेकंड हो जाएगी। ये चीज़ है, यानी समय को हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना होगा। और अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि जो विभू क्या है, विभवांतर क्या है, विद्युत धारा उच्च विभू से निम्न विभू की ओर क्यों प्रभावित होती है, इन सब का कारण।